टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। और सबसे पहले सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना बहुप्रतीक्षित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें पुरानी जो भी परीक्षाएं स्थगित हुई थी उन परीक्षाओं की तारीखों के बारे में जानकारी दी गई है और साथ ही कुछ नई तारीखों के बारे में जानकारी दी गई थी जो पिछले कैलेंडर में नहीं थी। तो ये देख सकते हैं ये विज्ञप्ति जारी हुई है और इसमें APS की जो भर्ती है वो 28 जून से ही स्टार्ट, शुक्रवार से लगभग 25 दिन स्टार्ट है और टाइपिंग चलेगा। सहायक नगर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा 2023 30 जून से लेकर के 21 जुलाई तक प्रारंभिक परीक्षा 30 जून को ही है। आरक्षित तारीखें भी कुछ रखी गई हैं, जैसे 21 तारीख को ये आरक्षित तारीख है, 21 जुलाई आरक्षित तारीख है। और इसके बाद में स्टाफ नर्स एलोपैथी पुरुष और महिला मुख्य परीक्षा 28 जुलाई को है, रविवार को। फिर ये आरक्षित किया इन्होंने किसी परीक्षा के लिए 6 अगस्त। फिर सम्मिलित कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 जिसका विद्यार्थियों को इंतजार था और इसके भी हाल ही में आवेदन भी लिए गए हैं, 18 अगस्त को ये परीक्षा होगी। फिर नीचे चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथिक तथा आवासीय चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 और चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथिक स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 ये 25 अगस्त को है, ये देख लीजिए। स्टाफ नर्स यूनानी पुरुष महिला प्रारंभिक परीक्षा 2023 और स्टाफ नर्स आयुर्वेदिक पुरुष महिला प्रारंभिक परीक्षा 2023 ये दोनों परीक्षाएं आपकी 8 सितंबर को है, रविवार के दिन। सहायक नगर नियोजक मुख्य परीक्षा 15 सितंबर रविवार को है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और चिकित्सा अधिकारी यूनानी स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 6 अक्टूबर को है। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 अवशेष परीक्षा ये 20 अक्टूबर को होगी और सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा ये आपकी 27 अक्टूबर को, पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा जो 17 मार्च को होनी थी। और इसके बाद में फिर 10 नवंबर की जो डेट है वो आरक्षित की गई है और 10 नवंबर की डेट आरक्षित की गई है। वैज्ञानिक अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 ये 17 नवंबर को है, रविवार के दिन। इसके बाद में फिर से 2 तारीखें आरक्षित की गई हैं, 8 दिसंबर की और 15 दिसंबर की। RO/ARO के बारे में इन्होंने बताया है कि ये परीक्षा 22 दिसंबर को होगी, ये देखिए नीचे यहाँ पर ये 22 की तारीख पड़ी हुई है। और नीचे ये भी लिखा हुआ है कि उपर्युक्त तिथियां संभावित हैं, अतः विशेष परिस्थितियों में तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 जो तारीखें इन्होंने आरक्षित रखी हैं। देखने वाली बात ये होगी कि इसमें कौन सी परीक्षाएँ देखने को मिलेंगी। अब बात रही LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि LT ग्रेड में फिर से मामला लटक गया है, जिसको लेकर के समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है। लिखा, माध्यमिक शिक्षा से मांगा ऑनलाइन अधियाचन, नियमावली में संशोधन के बाद शुरू होगी भर्ती की प्रक्रिया। सहायक अध्यापकों के 3,341 से अधिक पद खाली हैं, राजकीय स्कूलों में प्रवक्ता के 500 से अधिक पद रिक्त हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रदेश के 2427 राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक LT ग्रेड और प्रवक्ता के 3,500 से अधिक रिक्त पदों को माध्यमिक शिक्षा विभाग को लौटा दिया है। आयोग ने सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति से पहले ऑनलाइन अधियाचन भेजने के निर्देश दिए हैं, साथ ही शैक्षिक अर्हता की समकक्षता स्पष्ट करने को कहा है। साफ है कि LT ग्रेड और प्रवक्ता शुरू होने में अब समय लगेगा। पहले जानकारी मिल रही थी कि LT ग्रेड का जो विज्ञापन है वो लोक सेवा आयोग द्वारा जल्द जारी किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही थी कि चुनाव के बाद में शासन इस पर अपनी अंतिम मोहर लगाएगा, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि LT ग्रेड में अब देरी बताई जा रही है। नीचे यहाँ पर लिखा है, ऑफलाइन अध्याचन 2 साल पहले आयोग को भेजा गया था, लेकिन शैक्षिक अर्हता की समकक्षता के लिए नियमावली में संशोधन नहीं होने के कारण नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। सूत्रों के अनुसार नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है और जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इस बीच शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या भी बढ़ गई है। वर्तमान में LT ग्रेड और प्रवक्ता के 10,000 से अधिक पद रिक्त हैं, 10,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। पिछले साल नवनिर्मित 88 राजकीय स्कूलों में पद सृजन का प्रस्ताव भी शासन में विचाराधीन है और इन पदों की मंजूरी मिलने के बाद शासन में और अधिक वृद्धि होगी और पद बढ़ जाएंगे। कुल मिलाकर के LT अब ऐसा लग रहा जैसे लटक गई है और KG BV में 3,000 भर्तियाँ होंगी। प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जल्द ही संविदा पर करीब 3,000 शिक्षक और शिक्षणेतर स्टाफ की भर्ती होगी।
प्रदेश भर में जिले स्तर पर होने वाली इन भर्तियों की पूरी प्रक्रिया जिले स्तर पर ही पूरी की जाएगी। प्रत्येक जिले में जिले स्तर पर CDO की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जो प्रधानाचार्य से लेकर के विभिन्न विषयों के शिक्षकों के साथ साथ शिक्षणेतर स्टाफ की भी भर्ती करेगा। सभी नियुक्तियां संविदा पर 11 माह 29 दिनों के लिए होंगी। कार्यरत शिक्षिकाओं का व्यवहार संतोषजनक पाए जाने पर आगामी सत्र के लिए DM के अनुमोदन के बाद ही नवीन सेवा अनुबंध किया जाएगा, अर्थात प्रत्येक वर्ष नया सेवा अनुबंध किया जाएगा, एग्रीमेंट होगा। शिक्षिकाओं का कार्य एवं व्यवहार का वार्षिक मूल्यांकन संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। साथ ही प्रतिवर्ष शिक्षिकाओं से नए संविदा के लिए अनुबंध पत्र भराया जाएगा। करीब 150 KGBV को उच्चीकृत करके कक्षा 12 तक किया जाना है, और जिसके लिए प्रधानाचार्य से लेकर के शिक्षक, लैब असिस्टेंट, कार्यालय अधीक्षक, स्टोर कीपर, केयर टेकर, चपरासी, चौकीदार तथा रसोई के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आज नतीजे भी आएंगे और उसको लेकर के भी सूचना दी गई है। अभूतपूर्व कटुता, मतगणना में गड़बड़ी के आरोप प्रत्यारोप के बीच फैसले की घड़ी आ गई है। लोकसभा की 543 सीटों पर 7 चरणों में हुए मतदान के बाद मंगलवार को इसके नतीजे सामने आएंगे। 80 दिनों तक चली प्रक्रिया के बाद 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। इन नतीजों के साथ यह साफ हो जाएगा कि देश की बागडोर कौन संभालेगा। एक तरफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। हालांकि एग्जिट पोल में एक बार फिर से मोदी सरकार की वापसी का अनुमान लगाया गया है। लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश, उड़ीसा विधानसभा चुनाव के नतीजे भी मंगलवार को घोषित होंगे। BPSC की भी कुछ सूचनाएं हैं, जैसे यहां पर लिखा, अतिथि शिक्षकों को मौका, आज से 10 तारीख तक आवेदन। शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा में अतिथि शिक्षक मंगलवार से 10 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हाईकोर्ट के निर्देश के आलोक में एक बार फिर से आवेदन के लिए पोर्टल BPSC ने खोला है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश शर्मा ने अधिसूचना जारी कर दी है। बताया गया है कि हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए 5 अंक का अधिभार देते हुए 25 अंक का अधिभार दिया जाना है। TRE3 के बारे में बात हो रही है, जो परीक्षा रद्द कर दी गई थी और उसकी पुनर्परीक्षा लिखा है कि 27 तारीख से संभावित है TRE3। ये देखिए, और जो गेस्ट टीचर हैं उनको अधिकतम 25 अंक मिलेंगे और 5 अंक प्रतिवर्ष के हिसाब से फिर से आवेदन लिया जाएगा। और इसको लेकर के समाचार पत्रों में यहाँ पर ये नोटिस भी दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अभ्यर्थियों को घर बैठे मिले परीक्षाओं के प्रश्न पत्र। आगामी राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को अब आसानी होगी। और यहां पर लिखा हुआ है कि आयोग 135 परीक्षाओं के प्रश्न पत्र अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। इससे पूर्व में आयोजित सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा के प्रश्न पत्र भी शामिल हैं। इस भर्ती के लिए नई परीक्षा जल्द ही होने वाली है। अब वो डेट तो आपने देख ही लिया है, पेपर में उसका परीक्षा कैलेंडर भी जारी हो गया है। नीचे लिखा UPSC की वेबसाइट पर सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020, PCSJ परीक्षा 2012, 13, 15, 16, 18 एवं 22, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019, 21, PCS मुख्य परीक्षा 2019, 20, 23 और स्टाफ मिस परीक्षा 2027, 21 एवं 2023 समेत अन्य परीक्षाओं के प्रश्न पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो अब विद्यार्थियों को भटकना नहीं होगा, जाकर के पैटर्न देख सकते हैं और पेपर देख सकते हैं किसी भी भर्ती का। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सूचना आपके काम की हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, और जो नए छात्र हो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब भी कर लें।